वेलकम बैक माई चैनल प्रभु सभी को आशीष दे। तो हाँ, मैं कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग का वेट करते हो, और अब लोग कहेंगे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थोड़ी नहीं कि हम तेरा ब्लॉग का वेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनली इतना अच्छा कमेंट किया है कि आपकी वीडियो देख के मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होती निशा, तो बहुत अच्छा शानदार से फील होता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो भले ही मेरे 3 लोग भी वीडियो देखेंगे ना, तो भी मतलब ऐसा अगर अच्छा कमेंट आता है, जैसे कि अटैचमेंट होती है ना कि आप लोग ऐसा कमेंट कर देते हो कि हाँ निशा हम हैं तुम्हारे साथ कि तुम चलो, हमें लगेगा कि हमें बहुत सारी बड़ी फौज लेके चलनी है और बंदा अकेला ऐसे खड़ा हो चुपचाप से कि हाँ ये उसको ही काम करना है, और पीछे से 3 लोग कहते हैं कि कंधे पर हाथ रख के कि अरे तू चल तो सही, मैं भी चल रही थी ऐसा, मैं भी हम 3 लोग मैं देखूंगी सकल पे। मेरे को लगना है कि मेरे को 100 लोगों को लेके चलना है साथ में, अगर वो नहीं जा रहे हैं 100 में से 3 जा रहे हैं, तो 3 लोगों ने कंधे पर हाथ रखा है और वो कह रहे हैं कि चल हम चल रहे थे साथ, तो डेफिनेटली मैं आगे जाऊँगी और मैं यही सोच के ना ब्लॉग भी बनाती हूँ। और अब ये करना क्या कर रही है वो दिखाती हूँ। मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ कि आप मेरा अब देखते हो। मैं सच में बता नहीं सकती, मैं आज सच में आज बहुत खुश हूँ, कमेंट पढ़ के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। करुणा खेल रही है, तो निशा इतने पास से व्लॉग शूट मत किया करो, निशा इसका करुणा का नज़र लग जाएगी। यार तुम ना, मैं मुंह दिखाई तो इसकी करूंगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली से कम नहीं हो, ठीक है। मैं आपको बताया कि मैं कभी भी मैं किसी रिलेटिव के साथ वीडियो अभी तक व्लॉग बनाया नहीं बनाया, बनाया भी है ऐसा ऐसे वो, पर मेरी एक सिस्टर है वो भी अपना चेहरा नहीं दिखाती यार व्लॉग में। नौनू की तो चलो बहुत ही अच्छी सिस्टर है, वो तो अपना चेहरा भी दिखाती है, और ये नहीं देखते कि मैं तो खुद व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं तो पूरे व्लॉग में आ रही हूँ, तो यूँ नहीं कि थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करने के लिए चल कि व्लॉग में आ जाए, वो लोग भी नहीं आते ना, तो फिर थोड़ा सा दिल भी दुखता है मेरा कि क्यों नहीं आते यार। और हाँ, मेरा बोलने का तरीका सेम भी यही है और मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं सच बताऊँ तो। अगर आपको ओवर एक्ट लगता हो तो अलग बात है, और अगर मैं ऐसे बात करती तो सोचो मैं इसको बोलते हैं खुश मिजाज इंसान, तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं पहले से ही ऐसी बातें करती हूँ, ठीक है। थोड़ी शर्मीली हूँ और एक रीज़न ये भी है व्लॉग शूट करने का कल का नहीं, तो मैं आज अभी तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने छुट्टी कर लेते हैं और उनके सामने मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे कुछ बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर मना करेंगे या कुछ भी कहेंगे तो मेरा ब्लॉग बेकार हो जाएगा, तो मैं उनके सामने ब्लॉग शूट नहीं करती। और वो छुट्टी पे हैं, कल जब से आज बीमार है वो तब से ही छुट्टी पे हैं, और 2 या 3 दिन हो गए, पता नहीं ये वाला ब्लॉग मैं कब इसमें अपलोड करूँगी, आज करूँगी शाम को रात को या फिर पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता कि कब करूँगी, ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो देख लेना, प्लीज़ पूरा देखना। आज का व्लॉग हम रख लेते हैं अपना होम टूर पे, ठीक है। तो मैं आज अपना होम टूर कराती हूँ अपने घर का, ठीक है। इस बीच मेरे हस्बैंड ना आए, अगर वो आ गए तो फिर मैं आधा अधूरा होम टूर करूँगी, फिर नेक्स्ट व्लॉग कभी भी बनाऊँगी। पर हाँ, मेरे को किसी ने कमेंट करा था, निशा आप लगते नहीं हो मिडिल क्लास फैमिली से। यार मैं सच बता रही हूँ, अगर तुमने अगर वीगो देखा होता ना, वीगो वीडियो, तो आपको पता चल जाता कि मैं कैसी थी। मैंने तो अपने कभी जिंदगी में वहाँ पे किचन में, मतलब जैसे मैं हर चीज़ दिखाती थी ना, मैंने वहाँ कभी किचन दिखाया ना, मैंने कभी वहाँ बाथरूम दिखाया, क्योंकि अगर वहाँ देख लेते लोग कहते। एक बार ऐसा था कि किचन का थोड़ा सीन आ गया था, तो उसमें किसी ने लिख दिया था कि तेरे घर के किचन से अच्छा था मेरा बाथरूम है, तो थोड़ा सा मन उदास हो गया था। मैंने सोचा था अपने घर का किचन बनाऊंगी ना, मैं अपने हस्बैंड को बोला खूब बढ़िया किचन बना रहा था ना, कि बंदे ने हर्ट कर दिया किसी चीज़ को, तो आज मेरा किचन देखो मैंने कितना बड़ा बना रखा है, ये पूरा ही किचन है, पूरा ही किचन है। जब मेरा ऊपर छत पे लेंटर गिर जाएगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ की सारी चीज़ें उठा के रखूंगी ऊपर, और ये मेरा किचन ही रहेगा हमेशा। और उस बंदे ने मैं ठीक करा कि मतलब इंसल्ट कर देता है ना बंदा, तो कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उसको गलत साबित करने के लिए तुमको हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करती ही रहनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो वही मैंने की थी, ठीक। अब मेरे हस्बैंड मेरे को पता है, अभी मैं सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा ना ऐसा लगता, उनको ऐसा उन्होंने मेरे को एक बार ऐसा बोला था कि कभी भी तेरे ना मतलब सब्सक्राइबर नहीं होंगे, कि 100K के कभी सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे, कि 100K बहुत होता है कोई भी सब्सक्राइबर होने के लिए, कि ऐसे तो ऐपों पे तो कोई भी फेमस हो जाता, तो इस बात का थोड़ा सा भी अंदर से मेरे अंदर गिल्ट है कि यार कि ऐसे कैसे बोल दिया। और वो 100K करने के लिए भले एक साल बाद मैं उनके वैसे कैमरा लगा के बोलूँगी कि तुमने कहा था ना मुझे कि तेरे 100K कभी नहीं हो पाएंगे, आज मेरे 100K हो गए, बस मेरे को इतना दिखाना है, फिर उसके बाद मेरे चाहे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेरा जिस दिन 100K हो गए ना, उस दिन उनके सामने पे कैमरा रख, मैं इसलिए उनके साथ ब्लॉग शूट नहीं करती क्योंकि होता नहीं बंदे की इंसल्ट हो गई ऐसा लगता है, तो अभी मेरे को फिलहाल अभी ऐसे ही लगता है। तो मेरे को होम टूर का वीडियो शूट करना है, तो अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, वैसे गंदा पड़ा है सब, सच बताऊँ तो सब बेकार पड़ा है। मेरे को वीडियो शूट करने देना, परेशान मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कहीं से भूखना लग रही हो, पर अभी तो ये चुपचाप है, तो चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से, चलो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये क्रॉस है, तो ये मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव वाइब्स थी आज इसी की वजह से नहीं है, और मैं आज फिर से खुश हूँ क्योंकि 10 साल पहले से और पूरे 10 साल तक कंटिन्यू मेरे साथ इतना हो चुका है कि 10 साल तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। और ये घड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी, ठीक है, ये मेरा स्टैंड रखा है, और ये मेरा फ्रिज है,
और ये थोड़ा अभी आपको लगेगा कि काफ़ी लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि ऐसे मत रखो वैसा मत रखो, तो मैं सच बताऊं तो मेरी एक बहुत गरीबी वाली ज़िंदगी भी रही है, तो मुझे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे रखें कुछ नहीं रखा, कि तुम कहते हो ना ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो मैं सच बताऊं तो नमक का डब्बा भी नहीं होगा मेरे घर में इतना अच्छा कि मैं उसको दिखाऊं कभी ऐसा करके था मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये अभी खाना बनाया था मैंने पहले, तो ये गैस का ये टूट गया है थोड़ा सा, ये मेरे गैस है और ये बर्तन रखने का स्टैंड है, मेरे को बड़ा बर्तन रखने का स्टैंड चाहिए इसलिए वो यहीं पे रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी बड़ा लेके, और तब मैं इस छोटे वाले को जब मेरा घर बनेगा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि दो किचन होना जरूरी है मेरे लिए। और ये मेरी सासू माँ की पुरानी अलमारी है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको बेच देते हैं, पर मैं थोड़ी यादगार के तौर पर मैं उनको दिल से मैं आज बहुत याद करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिपेयर करा के मैं अपने पास रखूँ, लेने के लिए हम नहीं भी ले सकते हैं पर इतना नहीं अटैचमेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि अपने पुराने उनको मैं अपने बेटे को बताऊंगी तभी तो वो कुछ आगे अच्छी चीज़ें भी सीखेगा, तो इसलिए मैं अपनी बेटी और वहाँ ऊपर वाला दिखाती हूँ। तो ये रखा कूलर, और वो मेरी सासू माँ की फोटो, वो सासू माँ है उनकी अगल बगल उनकी दोनों बेटियाँ हैं, और वो गीजर लगा हुआ है, ठीक है हो गया। और ये मुझे गिफ्ट में फ़ोटो मिली थी, वो फ़ोटो है, और जिसने भी मुझे दी थी उन्होंने मुझे फ़ोन भी गिफ्ट करा था एक, और क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं हमेशा कहती थी फ़ोन लूँगी, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कि एड्रेस दिया उनको मतलब बुला ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे से लोग जो भी मिलना आते तो कहीं मेरे पास लगता है कि होता नहीं कि कुछ ये होगा इसको इसलिए इसने ऐसे घर का एड्रेस दे दिया, तो मैं इसको घर का एड्रेस भी दे दिया जल्द से, लेकिन लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आते हैं। और अभी आपने कुछ ऐसा कमेंट करा था, उस कमेंट का मैं जवाब नहीं देना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि किसी ने कहा था कि मेरे घर पर कोई आया था, तो बस इतना ही बहुत इतना, ठीक है। तो ये मेरे घर की बैल है जो हमने बंद कर दी है, ये इन्होंने मेरी फोटो भी उन्होंने दी थी जिन्होंने वो वाली फोटो दी थी, और ये घड़ी दी थी, ठीक है। बहुत सारा सामान लाया था मेरे लिए गिफ्ट में, और ये भी मेरी सासू माँ का बेड है, वो स्टूल भी बहुत पुराना है हमारे पुराने घर का है, तो हमारा जितना पुराना ये स्टूल दिख रहा है ना आपको इतना ही पुराना हमारा घर था, जैसे वो आप मैला मूला से दिख रहा हो गंदा सा, क्योंकि हमारा जो पुराना घर था उसमें ईंट भी मतलब बहुत ही पुरानी पेंट भी कर देते, तो आपको मैं बता नहीं सकती, उस पर काई जम जाती थी हर साल, और मैं उसको लोहे के ब्रश से छुड़ाती थी, अब तुम सोच लो कि कितने पुराने घर में रहती थी, हर साल जम जाती थी, दो साल मतलब पुराने घर में मैं रही हूँ, तो मैं उसको छुड़ाती थी सारा, फिर बरसात होती फिर अगले साल फिर काई जम जाती थी उसमें, ऐसा होता था। तो ये पर्दे भी लगा रखे हैं और पंखा लगाए ऊपर, और एलईडी तो जब मैं इस घर में आई थी एलईडी मेरे हस्बैंड ने पहले लगाती थी, अब चलते हैं इधर। तो ये फट्टा जो है ये मेरे हस्बैंड ने ही लगाया था यहाँ पे, और ये टीवी भी हमने ये मैंने विन करा था किसी ऐप के थ्रू, वो था वीगो वीडियो, उसके थ्रू मैंने ये टीवी विन करा था, और हेलमेट रखा और थोड़ी सामान रखा, एक गुल्लक मैंने अभी ली थी हाल ही में कि इसमें अपनी अपने आसिस के लिए ली थी, क्योंकि हमने उसकी आसिस की मैंने वीडियो में दिखा था कि गुल्लक उसकी फोड़ दिया, तो ये ली थी नहीं, और यहाँ पे सारा सामान रखा है, और ये लैपटॉप भी रखा है, ठीक है। ये रखी है, ये स्टूल मैंने हाल ही में खरीदे थे क्योंकि मैं ढंग से बैठ नहीं पाती थी नीचे, तो इसलिए ये स्टूल खरीदे थे, और ये आसिस का स्टूल बैठती थी वो अपना नहीं देता था इसलिए मेरे हस्बैंड ने दूसरा भी खरीदा था। और ये छोटा फैन है पुराना है, ये हमारे पुराने घर की कुछ कुछ चीज़ें हैं तो ये पुराना है पुराने घर की है, और अभी मेरी बाबू भी रो रही है तो अभी इसको थोड़ा स्टॉप कर दूँगी, पर मैं भूल जाऊँगी फिर बाद में, अगर ये भी मेज पुराने घर का है हमारा, और इधर भी सब गंदा चंदा बड़ा है, और वो हम जब पुराने घर में रहते थे तो वो स्पीकर हमने पहली बार लिए थे, और अभी 5,000 रुपये के इकट्ठे करके, और बहुत मेहनत से लिए थे सच्ची बताऊँ तो, बहुत मेहनत लगी थी सच में बहुत टाइम तक की। और ये मेरी अलमारी है जो मेरे बेटे का जब मुंडन कराया था तो मेरी सासू माम ने उसके कपड़े गिफ्ट रखने के लिए इसे गिफ्ट करा था, हाँ, तो ये मेरी सासू माम ने दिलाई थी। और ये हमारा और ऊपर जो टीवी रखा है उधर भी एक टीवी रखा है, वो भी मेरे पुराने घर का है, अब तो एलईडी जो विन करी थी वो लगा रखी है, और वो क्या बोलते हैं पुराने घर का टीवी है, और ये मेरी सासू माम का टीवी है ये वाला, और ये मेरे अभी जब जोमेटो में काम करते थे तो तब का ये इनका बैग रखा हुआ है, ठीक है यार ज़्यादा लंबा व्लॉग ना जाए। और बाथरूम तो मैंने दिखा दिया था आपको तो एक दिन, तो ये भी एक बार बाथरूम भी देख लेते ना, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सामान रखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगाना है स्टैंड और अभी इतना ही बना है कोई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो ये सारा सामान मैंने यहाँ पे ऐसे रख करके रखा हुआ है, तो वो बात गीजर लगा हुआ है और ये शावर लगा रखा है, और इसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, और टब टूब ऐसे ही रखे रहते हैं मतलब बाथरूम में, कुछ दिखाने के लिए कहाँ चढ़ी हुआ है। और ये मुझे मोज की तरफ से मिला था फ्रेम, तो ये यहाँ पे मैं लगा रखा है, 1,00,000 फॉलोवर पे मिला था, लेकिन जब मेरे 1,000,000 हो गए ना तब जाके 1,00,000 का मिला, देखो जब अभी तो ज़्यादा ही है 1,000,000 से ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये हमारा कूलर है जो कल बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने निकाल लिया उधर से उठा के इधर रख लिया,
और ये सही है, ये वाला सही है, वो वाला उसमें आशीष ने सारी पंखुड़ियाँ तोड़ दी थी तो इसलिए ऊपर रखा हुआ। और ये भी मेरी सासू मोम का है, अब मेरी सासू मोम नहीं है तो इसलिए सारा सामान मैंने उनका रखा हुआ, आपको दिखाया कितनी सारी चीज़ें रखी हुई। और ये कुर्सी पे अभी अभी मैं कपड़े उतार के लेके आई हूँ तो रखे हैं। तो ये था मेरा अभी नहीं है, पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, अभी मैं भूल रही हूँ कुछ ना बाहर आती हूँ। तो ये है क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन, और ये मेरा बाथरूम है, इसमें मेरा आशीष जाता है बाथरूम में सिर्फ। और ये इसकी कार रखी है, ये इसकी बुआ ने दी थी कार, और ये दूसरी कार है, मेरे साथ सफाई करी थी तो सब यहीं रखा हुआ है। ये क्या बोलते हैं, ये भी उसकी बुआ ने दी, तो उसकी बुआ के मतलब उसकी बुआ उसके लिए जब भी लाती खिलौने लाती, क्योंकि फूफू जो है मेरे आशीष के तो वो उनके खिलौने जो टॉय शॉप होती है तो उसमें ही काम करते हैं, तो इसलिए। और ये चारपाई है, और ये बहुत ये पुराने घर की कुर्सी है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें यादगार के तौर पे मैंने सारी चीज़ें रखी हुई है। ये नहीं कि अगर क्या बोलते हैं नया घर बनाया पुरानी चीज़ें तो फेंक देनी चाहिए, नहीं मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, यानी कि कबाड़ी को दे दी है ना, जब तक टूट ना जाए घिस ना जाए वही। हार मैं इस नलके को तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती थी, ये मेरा स्टैंड का काम करा है इसने और मेरी लाइफ को बहुत आगे तक पहुँचाया है, और मैं तभी सच में इस नलके की वजह से आज मेरे पे इतना अच्छा घर है, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे पे स्टैंड नहीं था, मैं यहीं रख के वीडियो शूट करती थी और यहीं पर रखा मैंने, यहाँ पर मैं डांस करती थी, अब बना लिया वो बात अलग है। ये वो घड़ी ख़राब हो जाती है इसलिए वो बाहर पर लगा रखी है। और यह दिवाली में लिया था बल्ब है, वो अभी तक जलता है, वो सही है, उसको लिए वहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी सब्जियाँ रखी हैं कुछ, वो हमेशा ये मैंने तो उठा के आलू जो मैंने कल परसों के ब्लॉग में दिखाया था बाहर रखे थे तो मैंने सारे यहाँ रखे हैं, वो मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है इसलिए मैं वहीं रखी है, वो मेरे हस्बैंड ठीक कराने के लिए भी ले गए थे, ठीक भी करने की कोशिश करी थी क्योंकि वो कर लेते हैं कुछ चीज़ें ठीक, और इसलिए वो ख़राब ही हो गई तो उसे भी रखा है, मैंने दी नहीं किसी को कि कबाड़ी को भेज, नहीं मेरा दिल कबाड़ी नहीं देता, मैं देखती हूँ कि बहुत टाइम हो जाएगा मैं तब सोचूंगी एक बार के लिए उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें यहीं रखी हैं। और ये मेरे सिलेंडर रखे हैं, और सब कहते हैं कि थोड़ा चेंज कर लो ये कर लो, देखो टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, यानी कि हम एकदम से मतलब सब चीज़ कर लें, सबसे पहले तो एक घर बना के अगर चार दीवारी खड़ी करी तो लिंटर डलाने की सबसे बड़ी आफत होती है, तो लिंटर डलाया तो उसके बाद हम धीरे धीरे कर ही लेंगे, तो अब इसमें सब रैक लगाने के लिए कहते हैं मेरे को कि रैक लगा दो, लगा लेंगे जब अपनी थोड़ी सी कंडीशन सही होगी। वैसे भी आप लोग कहते हैं मिडिल क्लास के नहीं लगते, तो मैं सच बताऊँ तो उससे भी लो फैमिली की थी, मैंने बताया था, अगर आपको नहीं लगता वो बात अलग है, वरना मेरे तो लोग इस चेहरे पर भी बहुत कमेंट कर देते थे। ये बेबी का झूला और मैं कुछ भूल गई थी तो, और ये रहा मेरा बेड, इन सब चीज़ों को जोड़ने को पूरे मुझे 4 साल लगे, मेरे हस्बैंड और मैंने लड़ झगड़ के जैसे भी करा लेकिन 4 साल हमारे हो गए, बस शादी को अब 6 साल हो जाएंगे 22 मई को, लेकिन 4 सालों में ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, 2 साल हम ऐसे ही पुराने अपने घर में रहे हैं। और कैसा लगा ये सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अपनी वीडियो में नाम लूँगी तो मैं वो नाम लेती हूँ, किट्टू जी, मोनिका शर्मा जी, ममता कुमारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने बिल्कुल करेक्ट एक ही एज लिखी थी, ठीक है, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं इतनी उम्र की हूँ, ठीक है। लेकिन सन्ना खान जी, आयशा जी और स्टडी अदा जी, सत्य है कि STUDY है आपका नाम, मेरे को सही से नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, लेकिन आपने जो बोला है वो अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के बाद से। लेकिन किसी ने अंदाजा लगाया है वो है छाया नौवर जी, पूजा शर्मा जी, अवनी कुमार, इन्होंने 2 या 3 मतलब लिखा है, 2 या 3 बार जैसे होता है एक अंदाजा लगाना, 26 से 27 ऐसे करके अंदाजा लगाया, 25 से 26 ऐसे करके अंदाजा लगाया था, तो इनका अंदाजा भी बिल्कुल बिल्कुल सही था। और किसी का नाम लेना भूल गए होंगे तो सॉरी, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना मेरी खुशी के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर जिसने नहीं सब्सक्राइब करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय, आपकी अपनी निशा।